सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। नमस्कार, एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद कन्नौज से आ रही है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आलू से भरे ट्रक में पिकअप पीछे से घुस गई, जिसमें चालक की मौके पर ही मौत हो गई। करीब 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बिहार से आजमगढ़ जा रहे थे सभी श्रमिक, घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। तालग्राम थाना क्षेत्र के विधिपुरवा गाँव के सामने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ है हादसा। तो तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, चंद प्रकाश जी। तो आइए इनसे जानते हैं ये क्या पूरी घटना है, इसमें कितने लोगों की अभी तक मृत्यु हो चुकी है और कितने लोग घायल हो गए। तो चंद प्रकाश जी बताइए क्या कुछ पूरा मामला। जी बिल्कुल, आपको बता दें, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे कन्नौज के तालग्राम क्षेत्र के पिंडीपुरा गांव के सामने तेज रफ्तार पिकअप ने ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। पिकअप सवार चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें पिकअप सवार 15 सैकड़ों की हालत गंभीर, घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। तो चंद्रकांत जी, इसी में अभी तक जो मृत्यु हुई है वो एक ही जो ट्रक चालक है उनकी मृत्यु हुई है ना। जी बिल्कुल, आपको जो मौके पर ही पीछे से तेज रफ्तार डीसीएम ने पिकअप ने टक्कर मारी थी, पिकअप चालक की मौके पर ही मौत हो गई। पिकअप चालक की मौके पर ही मौत हो गई। जी ठीक है चंद्रकांत जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ अगर कोई।